सो हाई गाइज, वेलकम टू फ्रेश फाउंडर, दिस मॉ गुप्ता। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Realme Buds Air की। देखेंगे बॉक्स में क्या है, प्राइस क्या है, डिज़ाइन कैसा है, बिल्ड कैसी है, साउंड आउटपुट कैसा है, कैसे ये लगते हैं, और 4000 की रेंज में क्या ये इतने कारगर हैं कि 14000 वाले को कम्पीट कर पाएँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जान लेते हैं सारी चीज़ें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए प्रो टिप है कि चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो हमारे पास आ चुके हैं Realme के Buds Air। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो Buds Air है, इसका स्टाइल दिया हुआ है आगे। और Buds Air मैं मतलब जो थोड़ा थोड़ा जोर डाल के बोलूँगा, क्योंकि अगर नाम इधर उधर हो गया, मतलब जैसे अबे साले ओहो गलती से, मैं तो गुस्से में इधर उधर निकल जाता, तो यहाँ पे गुंजाइश नहीं है इधर उधर होने की, क्योंकि दो लोगों के बीच में, मतलब दो गुटों के बीच में जो है इस चीज़ से लड़ाई हो सकती है। तो उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और नाम जो है इसका Buds Air सही से लेना पड़ेगा। तो आप इसको 5 बार रट सकते हैं चाहे तो वीडियो देखते टाइम, वरना जो है आप मतलब जैसा चाहो वैसा करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Realme की ब्रांडिंग है, इधर की साइड ब्रांडिंग है, सामने की साइड जो है इसका डिज़ाइन दिया हुआ है कि कैसा है। अब ये आपको लग रहा होगा कि देखा देखा सा डिज़ाइन है, तो हाँ देखा देखा तो है ही डिज़ाइन। बाकी आप बॉटम में देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि MRP दे रखी है 4999, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल MRP है वो 3999 की। यहाँ पे व्हाइट कलर हमारे पास है, बाकी इसमें 3 कलर्स आते हैं, 1 येलो, 2 व्हाइट और 3rd जो है ये ब्लैक। तो यहाँ पे आपके पास 3 कलर ऑप्शन है अगर आप लेना चाहो। तीनों का जो है सेम प्राइस है, कुछ वेरिएंट वाला फंक्शन वगैरह नहीं है। बाकी बॉक्स को खोलते हैं, तो बॉक्स को हम खोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये जो है USB Type-C का चार्जर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इसमें USB Type-C की जो है कंपेटिबिलिटी दी है, तो इससे फास्ट चार्ज तो हो ही जाएंगे। साथ में जो है आपको एक यूज़र मैनुअल प्लस वारंटी कार्ड यहाँ पे मिल जाता है बॉक्स के अंदर। यहाँ पे इसको आप कैप को हटाओगे, मतलब गत्ता ही है कैप क्या, तो गत्ता हटाने के बाद हमारे पास आ चुका है ये Realme Buds Air। और यहाँ पे आप पीछे भी देख सकते हो लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय Realme। तो हम जानते हैं कि भाई Realme ने डिज़ाइन किया, किसी और ने नहीं किया, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है Realme का, कोई फालतू नहीं बोलेगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो USB Type-C का जो है कनेक्टर दिया हुआ, तो इसके थ्रू आप इस केसिंग को चार्ज कर सकते हो, जो कि अराउंड 1 से 2 घंटे में जो है फुली चार्ज हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा जो है ये सर्कल टाइप का बटन दिया हुआ है, जिसकी अभी फंक्शनैलिटी में बताऊंगा। खोलने के बाद हमारे को मिलते हैं Realme के Buds Air। डिज़ाइन जो है आपने पहली बार देखा होगा, पहले ऐसा डिज़ाइन हमने देखा ही नहीं है, बिल्कुल एकदम नया सा डिज़ाइन है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 2 गड्ढे हैं, यहाँ पे जो है जो ज़्यादा डीप वाले गड्ढे हैं, इनमें जो है आप इनकी स्टिक्स को फंसाओगे तो तो ये यहाँ पे जो है अंदर डलते ही ये चार्ज होने लग जाएंगे, और इस तरह से जो है लाइट जल जाएगी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चार्ज हो रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हो कनेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे जो ये वाले जो कनेक्टर्स हैं, ये अंदर डीप होल में जाके और कनेक्ट हो जाते हैं इस केसिंग से, और तब ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। आप अगर इधर की साइड देखो तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर और R1 सेंसर मिल जाता है, जिसके थ्रू इन बड्स को ये पता चल जाता है कि आपके कान में है या कान से बाहर है। तो जब आप इनको लगाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है म्यूज़िक प्ले होने लग जाएगा, निकालने पे म्यूज़िक पॉज हो जाएगा। तो एक भी अगर आपने सिंगल निकाल दिया तो ये मना कर देंगे कि हम नहीं चल रहे, और गाना जो है पॉज हो जाएगा, और लगाने के बाद ये फिर से जो है चलने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें लिखा है राइट, और अगर मैं दूसरा दिखाऊँ तो इसमें लिखा है लेफ़्ट। तो यहाँ पे जो है आपको इंडिकेटर्स दिए हुए कि कौन से कान में कौन सा लगेगा, उस चीज़ के लिए भी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिल्वर लाइनिंग दे रखी है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होती है। और क्वालिटी वाइज अगर सीरियसली मैं बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड लगता है। यानी मतलब अगर मैं Buds Air की बात करूँ तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड लगते हैं, हालांकि डिज़ाइन जो है वो थोड़ा बहुत हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमने देखा है, बट फिर भी जो अगर मैं बात करूँ मतलब फर्स्ट इंप्रेशन की, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया इन्होंने। और यहाँ पे जैसे कि मैं बटन के लिए बोल रहा था, तो आपको ये 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, वैसे कोई केसिंग खोल के करोगे तो केसिंग खोल के आप अगर इसको 3 सेकंड प्रेस करोगे तो आपके पास जो है
ये ग्रीन लाइट आ जाएगी, यानी कि जो आप अपना डिवाइस को इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो ब्लूटूथ आपको ऑन करना है और फिर आपके पास जो है Realme Buds Air का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे और ये डायरेक्टली चालू हो जाएंगे। फिर आप जो है इसको निकालोगे और अपने कान में लगाओगे और गाना सुनना शुरू कर दोगे, और वापस जब आप इसको इसमें रखोगे और केसिंग बंद करोगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और फंक्शनैलिटी इसमें ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो अगर आपके कान में होंगे तभी ये चालू रहेंगे, यानी कि ये सिंगल चार्ज में जो है 2 से 3 घंटे का बैकअप आपको आराम से दे देंगे। अदरवाइज मतलब जो सिंगल बड्स है वो 2 से 3 घंटे का बैकअप रेगुलरिटी में देता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 2 से 3 घंटे रेगुलर तो सुनने नहीं वाले, लेकिन आप जब इसको केसिंग में डालोगे तो ये फुल चार्ज हो जाएंगे और विद द केसिंग आपको ये जो बैकअप है वो अराउंड 18 आवर्स तक का दे देंगे, मतलब बड्स और जो केसिंग मिला के तो 18 आवर्स तक का जो है ये बैकअप आपको दे देंगे। 10 मीटर्स तक की इसमें कनेक्टिविटी है। आप बातें बहुत कर ली, इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं और कैसे काम करते हैं और आउटपुट कैसा है, मतलब साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी है और फिटिंग वगैरह कैसी है। डिज़ाइन अच्छा है, नो डाउट डिज़ाइन बहुत अच्छा है और बिल्ट भी अच्छी है। कनेक्टिविटी भी देखते हैं कि कितनी फास्ट है, बाकी अभी तो ये चार्ज हो रहे हैं तो इनको करते हैं बंद, अपने मोबाइल की तरफ चलते हैं, कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो जो है ये चल रहे हैं बगैर कान में लगाए भी, ये चल रहे हैं क्योंकि हमने जो है दोनों को ही बाहर निकाल लिया है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है कि हमने जो है ये लगाए हुए भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप तो ये ऐसे पॉज हो जाता है और अगर आप इसको फिर रख दोगे तो ये फिर से चलने लग जाएगा। तो कुछ ऐसे जो है ये काम करते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर कुछ इस टाइप से काम करता है। तो हम बात करें साउंड आउटपुट की, तो वो कैसी है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर का टेस्ट में दिखाया कि साउंड आउटपुट कैसी है, तो आपको थोड़ा जो है आइडिया वैसे ही लग गया होगा कि बाहर तक जो है साउंड आ रही थी और आप इसको कान में लगाओगे तो कितनी अच्छी साउंड आउटपुट आपको मिलने वाली है। तो मैंने इसको टेस्ट किया और बेसिकली बहुत अच्छी साउंड आउटपुट है, जो बेस है वो बहुत अच्छा है, जो ट्रिबल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इक्वलाइजेशन बहुत अच्छी है और EDMs अगर आप सुनते हो या आप सुनते हो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक टाइप का म्यूज़िक या आपको डब स्मैश वगैरह पसंद है तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा तगड़े काम करने ही वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप बॉलीवुड की बात करो जिसमें जो है लिरिक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो लिरिकल भी जो है ये बहुत अच्छे से संभाल लेता है और चाहे वो मिड्स हैं चाहे वो अपर्स और चाहे वो लोज, ये तीनों में ही बहुत अच्छा काम करता है। और जो साउंड क्वालिटी मतलब वोकल्स की बहुत प्यारी निकल के आती है और एक एक चीज़ आप जो है वो सुन सकते हो, मतलब कहीं ये नहीं कि जो है थोड़ा मतलब मफल टाइप की हो रही है साउंड या जो साउंड थोड़ी कहीं गायब हो रही है या कहीं अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। साउंड बहुत क्रिस्प है, बहुत क्लियर है और बेस भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो मतलब आपको जो है साउंड क्वालिटी में तो कुछ भी कंप्लेंट इसकी नहीं होने वाली, ये तो डेफिनेटली है। और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो 10 मीटर्स तक की, तो अगर आप अपने घर में मतलब कहीं चला रहे हो तो एक से दूसरे रूम में जो है ये डेफिनेटली काम कर जाएगा क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो 10 मीटर्स तक की है। पहले इसको बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है इसकी 10 मीटर्स की कनेक्टिविटी है, तो आप अपने घर घर में जो है वो उसको आराम से चला सकते हो। और एक रन में जैसे मैंने बताया कि एक चार्ज में जो है ये 2 से 3 घंटे आपके चल जाएंगे, फिर जो आप है इसको अपने केसिंग वगैरह से चार्ज कर सकते हो, तो 18 घंटे का बैकअप कुछ मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि यार ख़राब है वो है, तो बहुत अच्छा बैकअप है और 4000 रुपये में ऐसी चीज़ मिल रही है इस क्वालिटी के साथ, इस डिज़ाइन के साथ और इस आउटपुट के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बड़ी बात है। और कंपनीज़ को तो मैंने अभी फ़िलहाल नहीं देखा कि कुछ ऐसा काम करते हुए इस प्राइस पॉइंट पे, अभी तक MI ने भी निकाला हो तो Realme ने कर दिखाया है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं खुश हूँ कि इस मार्केट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी आया है जो अंडर रेंज है लोगों के और लोग खरीद सकते हैं, जो लोग 14-15 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकते वो 4000 रुपये खर्च करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट अपने लिए खरीद सकते हैं ना। R1 चिप के साथ जो है इन्होंने खुद ने डिज़ाइन करी है एक R1 चिप जो कि इसमें लगी हुई है, जो कि सारे डिटेक्शन और ये सारे कंट्रोल्स वगैरह संभालती है इंक्लूडिंग प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो Realme R1 चिप जो है इसमें यूज़ की गई है और काफ़ी अच्छा जो है काम करते हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बिल्ड बहुत अच्छी है, साउंड आउटपुट बहुत अच्छा है और फीचर्स भी बहुत तगड़े हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया वो ये है कि यहाँ पे आपको माइक्रोफोन्स भी मिलते हैं, तो डुअल माइक्रोफोन मिलता है दोनों ही बड्स में। तो आप नीचे देख सकते हो तो एक माइक्रोफोन है और इधर की साइड दूसरा माइक्रोफोन है। सेम थिंग हैपन्स इन हेयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो माइक्रोफोन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको जो है क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो आप कॉलिंग वगैरह में, तो काफ़ी अच्छा ये काम करने वाले हैं, क्योंकि अगर दो माइक्रोफोन है तो एक नॉइस कैंसिलेशन के लिए हो गया और एक आपकी जो है आपकी जो आवाज़ जिससे आप बात कर रहे हो उस तक के लिए पहुंचाने के लिए हो गया। तो यहाँ पे आपको दो माइक्रोफोन मिलते हैं दोनों ही बड्स में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और यहाँ पे आपकी मतलब कॉलिंग वगैरह भी बहुत सही होने वाली है। अब इसको जो है फिटिंग की बात कर लेते हैं कि फ़िटिंग कैसी है। तो फिटिंग मैं आपको अपने कानों में लगा के दिखाता हूँ और फिर देखते हैं कि ये कैसा काम करते हैं। तो इसको जो है अभी वापस इसको खोलते हैं, इनका डिब्बा, डब्बे में इनको डालते हैं वापस और फिर अपने कान में लगा के देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी मैंने जो है इसको लगा के देखा और फिटिंग काफ़ी अच्छी है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जैसे कि हमारे को वायर्ड ईयरबड्स में जो है अलग अलग साइज़ मिलते हैं, तो उसका हिसाब तो नहीं है कि मतलब साइज़ आपको डिफरेंट मिलेंगे। बट अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मतलब किसी के जैसे होता है कान का जो है साइज़ डिफरेंट करता है, लेकिन मेरे कान के लिए तो ये परफेक्ट साइज़ था और मेरे को कोई लगा के दिक्कत नहीं हुई कि मतलब गिर जाएंगे या कुछ। हालांकि मैं मतलब लगा के ये सोचा था कि भागना मतलब ठीक रहेगा नहीं, मतलब अगर आप जॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा तेज़ रनिंग वगैरह कर रहे हो ट्रेडमिल पे तो हो सकता है ये थोड़ा गिर वगैरह जाए, तो उस चीज़ के लिए तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप एक डेली ड्राइवर नॉर्मल यूजेज के हिसाब से बात करोगे तो काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि मैं गर्दन हिला रहा था तो मतलब उसका मतलब ये था कि एक का मतलब था पॉज और एक का मतलब था प्ले। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स रेट वो बहुत ज़्यादा तेज़ है इन दोनों का, और जैसे कि आप एक निकालते हो तो जो है साउंड वो एकदम से बंद हो जाती है, तो रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा तेज़ है। और लेटेंसी रेट भी जैसे रियलमी ने बताया था कि इन बड्स एयर का काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आप गेमिंग वगैरह के टाइम भी आपको ये नहीं लगेगा, जैसे कि कभी कभार गेमिंग में होता है कि आप खेलते खेलते साउंड जो है वो मफल होने लग जाती है या बिल्कुल एकदम से गायब हो जाती है या टूटने लग जाती है साउंड, तो उस टाइप में भी लेटेंसी रेट इसका काफ़ी लो है। कनेक्टिविटी भी बहुत तेज़ है, तो मस्ट रिकमेंडेड है यार कि मतलब 4000 रुपये में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ। और मतलब हर तरीके से अच्छे हैं, मेरे को तो कहीं से बुरे नहीं लगे। और आपको पता है कि अगर कुछ होता है मैं बोल देता हूँ, मेरे को ऐसे कोई पैसे नहीं दे रहा कि रियलमी वाले मेरे को पैसे दे रहे हो, तो 4000 रुपये में अगर ऐसी चीज़ मिल रही है तो मैं यही कहूँगा कि 14000 खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 4000 रुपये में आपके जो है पैसे वसूल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट। और अगर आपको चाहिए तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इनको खरीद सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो चार्ज है ये 2 से 3 घंटे का, और इसको इंक्लूड करने के बाद 18 घंटे का टोटल आपको चार्ज टाइम मिल जाएगा, जिसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो कॉम्पैक्ट है, इजी टू यूज़ है और डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है। बाकी आउटपुट तो आपने जैसे कि मैंने बताया कि पता चल ही गया, तो बाकी आप जाके इसको खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जाओ खरीदो। और अपने रिव्यूज़ और अपने सजेशन मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, साथ ही साथ कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल बटन को दबा के ग्रे कर दो, बेल आइकन भी दबा देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। इस वीडियो को शेयर करो, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, दिस इज मो गुप्ता साइनिंग आउट नाउ। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेवर हार्म एनी एनिमल्स एंड नेवर हेट एनीवन एज़ वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ एंड बाय बाय।